पहला प्रश्न है दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को आर्निथोलॉजी कहा जाता है। विषों का अध्ययन किसमें किया जाता है? विषों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है? बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को टिशू कल्चर कहा जाता है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी को। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी के पौधे को। अगला प्रश्न कहते हैं दोस्तों, कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टोन कैंसर किससे होता है? अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा से जो होता है स्टोन कैंसर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? किसी कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 4 वर्गों में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। IUCN का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? IUCN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। IUCN में क्या होता है, यह लाल सूची जारी करती है जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन इंसुलिन को कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवापोरेशन। किसी भी ताप पर पदार्थों के द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाए उसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर जो है ठंडा उत्पन्न करता है एवं सुराही का पानी भी क्या रहता है? ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंडा उत्पन्न करता है और सुराही का पानी भी क्या रहता है? ठंडा होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? साधारण ताप पर ही ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। साधारण ताप पर ठोस अवस्था से मतलब दोस्तों बिना द्रव में बदले अगर सीधे गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में बदल जाती है उसी को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कपूर हो सकता है, कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। अर्थात इसकी छोटी परिभाषा और देख सकते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघनन किसे कहते हैं? संघनन वाष्प से द्रव अवस्था में बदल जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प से द्रव अवस्था में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलयन। विलयन किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गलनांक किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट गलनांक किसे कहा जाता है? वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमांक किसे कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। यह जो होता है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल वाष्प बन जाएगा। और इसी प्रक्रिया को उल्टा करते हैं, जब हम जल वाष्प को जो है ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वस्तु जो है द्रव्य नहीं है? कांच, वायु, दूध या प्रकाश? कांच जो है एक प्रकार का द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है, दूध भी है, लेकिन प्रकाश जो है एक प्रकार का द्रव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है। अंतर आणविक बल जो है किसमें शून्य होता है? ठोस में या द्रव में या गैस में? गैस में जो है अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है दोस्तों? वह पदार्थ जो स्वयं तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु जिनकी उपस्थिति क्रिया की गति को बढ़ा दे या मंद कर दे वह उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो स्वयं तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु जिसकी उपस्थिति क्रिया की गति को बढ़ा देता है या मंद कर देता है वह उत्प्रेरक कहलाता है। इसकी छोटी परिभाषा देख लेते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? वे पदार्थ जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को कम कर देते हैं वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और तीसरा है दोस्तों स्व उत्प्रेरक, कभी कभी किसी रासायनिक क्रिया की गति क्रिया के बढ़ने के साथ स्वयं ही बढ़ने लगती है। इस क्रिया में बनने वाला कोई पदार्थ स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करने लगता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक, कभी कभी एक क्रिया दूसरी क्रिया का वेग जो है बढ़ा देती है। कभी कभी एक क्रिया दूसरी क्रिया का क्या कर देती है? वेग बढ़ा देती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बल, बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणते त्वरण होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। और बल का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है? बल का एमकेएस पद्धति मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है डाइन। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बल के प्रभाव, तो बल के प्रभाव यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है बल लगाने की क्रिया सदा दो वस्तुओं के बीच होती है। यदि दोस्तों बल लगाना हो हमें तो दो वस्तु रहेंगी तभी तो बल लगेगा। तो बल लगाने की क्रिया सदा दो वस्तुओं के बीच होती है। दूसरा क्या है? किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या होती है? गतिमान हो जाती है। मतलब कोई दोस्तों अगर वस्तु स्थिर है, ठीक है, अगर उसमें हम बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर हम दीवार पर बल लगा दें तो वो गतिमान हो जाएगी, ऐसा इसमें नहीं है। अगला देखते हैं तीसरा, किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने पर वस्तु की चाल बढ़ती जाती है।
किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही अगर हम बल लगाएं तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसी दिशा में क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई दोस्त साइकिल पर धीरे धीरे चल रहा है, कोई उसका दोस्त जो है पीछे से थोड़ा तेज़ी से बल लगा दिया तो उसी दिशा में उसकी क्या होगी, चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बल जो है दो प्रकार का होता है दोस्तों, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। दूसरा बल है दोस्तों असंतुलित बल। यदि वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो असंतुलित बल कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे रस्साकस्सी में। रस्साकस्सी में कभी दूसरी पार्टी में और ज़्यादा बल लगता है, कभी पहली पार्टी की ओर बल ज़्यादा लगता है, तो उस स्थिति में जो है असंतुलित बल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रिंसी प्रिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसी प्रिया पुस्तक के लेखक कौन है, न्यूटन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो होता है वो बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति का तृतीय नियम को और किस नियम से जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी जाना जाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों इसका, दूसरा उदाहरण, पेड़ को हिलाने से उसके फल जो है टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। तीसरा उदाहरण, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर गिर जाते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे कर लेता है ताकि चोट जो है कम लगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टियां तोड़ देना। तीसरा उदाहरण है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। दूसरा है, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का जो है पीछे हट जाना। तीसरा है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। चौथा है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। पांचवा है दोस्तों, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। छठवां है, छठवां वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राकेट तथा जेट वायुयान की गति। ये सब जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न जड़त्व से है। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व को दोस्तों अंग्रेजी में इनर्सिया कहा जाता है। वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अवस्था, एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा दोस्तों तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों संवेग की। संवेग को मोमेंटम भी कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं,
इसे पी से व्यक्त किया जाता है। संवेग का सूत्र होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणते वेग, पी बराबर एम वी। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों, बल, बल की परिभाषा देखते हैं। तो बल का सबसे छोटी परिभाषा होती है यह, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। और बल की एक परिभाषा और है दोस्तों कि बल वह कारक है जो किसी पिंड की भौतिक अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं वेग की। वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अर्थात विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, चाल। चाल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्पीड कहते हैं। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल का भी मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, अगली परिभाषा है त्वरण की। अगली परिभाषा त्वरण की है, जिसे एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। तो क्या होता है त्वरण? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। या वेग में वृद्धि की समय दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में वृद्धि की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है दोस्तों? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, मंदन। मंदन को अंग्रेजी में कहते हैं रिटार्डेशन। मंदन जो होता है वह त्वरण का मान अगर निगेटिव है तो उसी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अर्थात वेग में कमी हो रहा है, तो वेग कमी की दर को मंदन कहा जाता है। इसे अवत्वरण भी कहा जाता है, और इसे माइनस ए से व्यक्त करते हैं। तो मंदन को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। अर्थात अगर वेग में कमी होगी तो वेग में कमी की दर को ही क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों, दूरी की। दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। दूरी जो होती है अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुँचने में तय की गई कुल दूरी को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। यह सदैव धनात्मक होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है, और यह सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, जबकि दूरी केवल धनात्मक होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं दोस्तों गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं? तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या है? वी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है दोस्तों? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे वी क्या है? वी अंतिम वेग है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय है। और यस दूरी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसी समीकरण दोस्तों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों नोट में, यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है,
तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। वस्तु जो है एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों कार्य की। कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यह एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी होता है। बल गुणते और दूरी हो जाएगा। डी क्या है? दूरी है। तो यहाँ पे जब कोई किसी एंगल पर अगर कोई कार्य हो रहा है दोस्तों, तब यहाँ पे सूत्र बन जाएगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों कार्य का एक महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं, क्योंकि जो कि एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह के समानांतर आगे बढ़ रहा है और विस्थापन की दिशा क्या है? क्षैतिज है, तो किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। क्योंकि उस समय दोस्तों यदि कोई मनुष्य है और मान लीजिए अपने सिर पर कोई बोझा लिया हुआ है और ऐसे पृथ्वी पर चल रहा है, सिर पर बोझा लेके आगे बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मनुष्य का शरीर हो गया और ये पृथ्वी हो गई, तो क्या यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। यदि इसी सूत्र में कॉस 90 अंश का मान रखेंगे तो जीरो हो गया। तो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों शक्ति। शक्ति को क्या कहा जाता है? सामर्थ्य भी कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय। पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी। अब इसका मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहा जाता है। इसके बड़े मात्रक देख लेते हैं। सामर्थ्य के बड़े मात्रक जैसे किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10^6 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे पिंड की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं? पिंड की गति ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? इसका सूत्र होता है के बराबर 1/2 mv² के बराबर 1/2 mv². और गति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा कोई भी हो दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है? हमेशा जूल होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को यू से व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण इसे एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, जिसे आइंस्टीन का भी समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को आइंस्टीन का भी समीकरण कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का एक ही रूप है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का एक ही रूप है। अतः प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो E बराबर mc² ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जहाँ E क्या है? ऊर्जा है। M द्रव्यमान है। और C क्या है? प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10^8 m/s होता है। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है जैसे घड़ी को चाबी देने में संग्रह ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी को चाबी देने में संग्रह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। स्थिति ऊर्जा घटेगी जबकि गति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कोई कार्य नहीं करता। यदि कोई मजदूर हो दोस्तों अपने सिर पर ईंट रखकर
क्षैतिज सड़क पर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं होगा। अगला देखते हैं, ऊर्जा क्या है दोस्तों? ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। और ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान की। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहता है मास। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? एक समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। और द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों भार की। भार को अंग्रेजी में कहते हैं वेट। तो भार की परिभाषा क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अभी हमने दोस्तों पढ़ा द्रव्यमान में, द्रव्यमान जो होता है वो चाहे जहाँ उसको हम लेके जाएं तो द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता। लेकिन वस्तु का भार जो है अगर हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो वस्तु का भार क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और भार क्या होता है? भार एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। भार निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? W बराबर mg होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है अनुप्रस्थ तरंगे की, जिसे ट्रांजर्व वेव भी कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? तरंग जिसके माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वे क्या कहलाती हैं? वे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। कुछ इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो श्रृंग एवं गर्त के रूप में क्या करती हैं? आगे बढ़ती हैं। और ये तरंगे जो हैं केवल ठोस एवं द्रव में उत्पन्न हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न हो सकती हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, इनके माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है, शांत जल में पत्थर डालने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। दूसरा है, रस्सी के एक सिरे को बांधकर दूसरे सिरे से झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। तीसरा है, तनी हुई डोरी जैसे सितार के तार को ऊपर नीचे झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। अगला तरंग पढ़ेंगे दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। वे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, इसका नोट देख लेते हैं दोस्तों। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। और मैंने अभी पीछे बताया दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव में, और यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में क्या हो सकती हैं? चल सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट है, अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों, संपीड़न और विरलन कुछ इस तरह से जो है आगे बढ़ती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे ये बढ़ती हैं। चौथा पॉइंट है, हमारे बोलने पर वायु में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? किसी पदार्थ जैसे ठोस, द्रव एवं गैस के कणों के दोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। किसी पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस के कणों से दोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसका नोट देख लेते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट में ये तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती हैं। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। इन्हीं तरंगों को जो है हम सुन पाते हैं, इन्हीं तरंगों को जो है मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। अगला तरंग है दोस्तों अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है उसे अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है उसे क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला वाला देखते हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है संकेत भेजने में, दूसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा है समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने में, चौथा है दूध में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, पांचवा है अल्ट्रासाउंड के उपचार में। अल्ट्रासाउंड के उपचार में तो इन सभी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चमगादड़ जो होता है रात्रि में कौन सी तरंगे जो है उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, जिसे टाइम पीरियड कहते हैं? आवर्तकाल किसे कहते हैं? माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को टी से व्यक्त किया जाता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों आवृत्ति की, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्रिक्वेंसी। माध्यम का कोई भी कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, या कंपन प्रति सेकंड होता है, या केवल प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं दोस्तों परिभाषा तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य को अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं। माध्यम के कण एक कंपन पूरा करने के समय में तरंग जितनी दूरी चलती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। माध्यम के कण एक कंपन पूरा करने के समय में तरंग जितनी दूरी चलती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को दोस्तों लेमडा से व्यक्त किया जाता है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंगगत किसे कहते हैं? कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग चाल कहते हैं। कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे क्या कहते हैं? तरंग चाल कहते हैं। और दोस्तों तरंग की चाल का सूत्र होता है वी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। वी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। वी क्या है? तरंग की चाल है, एन है आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? ये तरंग दैर्ध्य है। अगला देखते हैं दोस्तों ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों याद करने का तरीका क्या है, इसमें भी आधा ध आया है और इसमें भी आधा ध आया है, तो ऐसे आप रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत चुंबकी तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकी तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और दोस्तों कभी कभी ये पूछता है कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं, प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है प्र इसमें भी आया है और प्र जो है इसमें भी आया है, तो प्र से प्रकाश हो जाएगा, तो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला देखेंगे दोस्तों परिभाषा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किसे कहा जाता है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है
उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये निर्वात में क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। ये निर्वात में भी क्या होती हैं, चल सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, दूर में दो अक्षर है, उत्तल में तीन अक्षर है, तो दो से तीन ऐसे याद कर लेंगे। निकट में देखिएगा तीन अक्षर है, अवतल में चार अक्षर है, तो तीन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, चार हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इन तरंगों को विकिरण भी कहा जाता है। अतः निर्वात में विकिरण की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कुछ देख लेते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे गामा किरणे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यक्स किरणे, पराबैंगनी किरणे, अवरक्त किरणे, रेडियो तरंगे, ये सभी क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, गामा किरण की खोज किसने किया था। गामा किरण की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था, डब्लू के रॉन्टजन ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रीटर ने किया था। और दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अवरक्त किरणे जिसे इंफ्रारेड भी कहा जाता है, अवरक्त किरणे की खोज विलियम हर्सेल ने किया था। लघु या हर्ज रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, विलियम हर्ज ने किया था। अगला है वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगे, वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। अगली परिभाषा देखेंगे दोस्तों, तारत्व। तारत्व को अंग्रेजी में कहते हैं पिच। तारत्व क्या होता है, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिससे हम ध्वनि को मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक कहते हैं। तारत्व क्या होता है दोस्तों, यह ध्वनि का वह लक्षण होता है जिससे हम ध्वनि को मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ध्वनि का जो तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। मोटी ध्वनि की तारत्व क्या होता है, कम होता है। यदि ध्वनि मोटी है दोस्तों तो तारत्व क्या होगा, कम होगा। पतली ध्वनि की तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। पतली ध्वनि की तारत्व क्या होता है, अधिक। जैसे पुरुषों की ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है, महिलाओं की ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। तो पुरुषों की ध्वनि का तारत्व क्या होता है, कम होता है, और महिलाओं की ध्वनि का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात आवृत्ति जितनी अधिक होती है तारत्व भी उतना ही अधिक होता जाता है, जिससे ध्वनि पतली या सुरीली जो है सुनाई पड़ती है। तथा आवृत्ति जितनी कम होती है तारत्व भी उतना क्या होता है, कम होता है, जिससे ध्वनि क्या होती है, मोटी या स्पष्ट होती है। जैसे दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ जो है वो सुरीली क्यों होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ सुरीली क्यों होती है, क्योंकि महिलाओं का जो स्वर तारत्व होता है वो पुरुष स्वर के तारत्व से क्या होता है, अधिक होता है। महिलाओं का स्वर तारत्व पुरुष स्वर के तारत्व से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा कारण, महिलाओं का तारत्व अधिक होता है तथा पुरुषों का तारत्व क्या होता है, कम होता है। तीसरा है, महिलाओं के स्वर की आवृत्ति अधिक होती है जबकि पुरुषों के स्वर की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब कोई पिंड किसी वायुयान से गिरता है तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न है, नीचे की ओर गिरते पिंड की गति ऊर्जा क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गति ऊर्जा क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। अगला देखेंगे प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जबकि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, ध्वनि के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे हम जान लेते हैं।
ध्वनि को अंग्रेजी में कहते हैं साउंड। तो पहला इसका फैक्ट है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसका प्रभाव जो है कानों पर पड़ता है। दूसरा है, ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा फैक्ट है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा फैक्ट है, ध्वनि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में क्या होती हैं, चल सकती हैं। ध्वनि ठोस, द्रव एवं गैस सभी माध्यमों में क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, किसी भी माध्यम में ध्वनि जो होती हैं वो तरंगों द्वारा चलती हैं। फैक्ट नंबर छठवां है, ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ध्वनि का वेग जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। फैक्ट नंबर सात देखेंगे, ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है। फैक्ट नंबर आठ देखते हैं, ध्वनि का वेग बढ़ते क्रम में तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और इस ठोस से कम द्रव में होता है, द्रव से कम गैस में होता है। ध्वनि का वेग घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, ठोस से कम द्रव में, द्रव से कम गैस में होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट इसका देख लेते हैं, फैक्ट नंबर 10, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है या लगभग में 330 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि का वेग लगभग 1450 मीटर पर सेकंड होता है, जल में ध्वनि का वेग लगभग 1450 मीटर पर सेकंड होता है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 12, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, आधा ध तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं और इसी को केल्विन बदलेंगे तो 0 केल्विन हो जाएगा। न्यूनतम ताप संभव है -273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा पैमाना है जो सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या संबंध होता है, C/5 बराबर होता है या फिर 32/9 होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, केल्विन तथा सेल्सियस में क्या संबंध होता है, केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध होता है K=273+C होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, पारा जिसे मरकरी भी कहा जाता है, पारा जो है जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। पारा उबलने लगता है 357 डिग्री सेल्सियस पर, पारा उबलने लगता है 357 डिग्री सेल्सियस पर। अगला देखें दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और दोस्तों अगर सेल्सियस पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं दोस्तों, लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक उसके आयतन में होती है, यदि किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में होगी, उसके आयतन में होगी। अगला देखेंगे यहाँ पे, तांबे की एक आयताकार प्लेट में एक गोल छिद्र किया जाता है, तांबे की एक आयताकार प्लेट में एक गोल छिद्र किया जाता है, प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, रेल के पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि इससे पटरियों का ताप बढ़ने पर उन्हें फैलने के लिए जगह मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल का आयतन कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल जो होता है क्या होती है, फैलती है। आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता की माप जो है हाइग्रोमीटर से किया जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता की माप
हाइग्रोमीटर से करते हैं। अगली परिभाषा देखेंगे दोस्तों, चालन। चालन को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। चालन किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो शीघ्र ही दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जब किसी धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो शीघ्र ही दूसरा सिरा भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। उष्मा यह संचरण पदार्थ के अणुओं के द्वारा होता है। इसमें यह उष्मा जो है यह संचरण किसके द्वारा होता है? पदार्थ के अणुओं के द्वारा होता है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठोसों में उष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है।